हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक हो? परेशान तो नहीं हो? परेशान ही होना हो, सही है? हाँ, मैं हूं ना। परेशान क्यों ना? कोई भी परेशानी है, प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है, मुझे आकर पूछो, मैं बताऊंगी अगर मैं आपका हल निकाल सकती हूँ। आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। आप कमेंट कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब भी कर रहे हो, फीडबैक नहीं दे रहे हो? फीडबैक भी चाहिए मुझे। जब मैंने सब कुछ बताना है तो मैंने पूछना भी है। मैं टीचर हूं, मेरे से सीखते हो तो रिपोर्ट भी देनी है, सही है? हाँ आओ। अच्छा, आज जनाब दिलकश दिलरुबा बना देना। मैंने कोई मुंडा है तो भावे कुड़ी है उसको दिलकश हसीन दोशीदा बना देना। एंटी रिंकल, एक्नी फ्री, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, दिलकश, दिल हसी, शाइस्ता, जाजिब नजर, दिलरुबा किस्म की एक छोटी सी बेबी लड़की बना देना मैंने आपको, जितनी भी आपकी एज है। ठीक है, जो जो चीजें चाहिए नोट करो, नोट करो, सही है? सबसे पहले आपको चाहिए संगाड़े का पाउडर। मैंने आपको कहा था कि ये बहुत चीजों में यूज होना है, और ये देखो कैसा यूज हो रहा है। ले आओ जाके बाजार से 1 किलो का बड़ा पैक पाउडर संगाड़े का, और जनाब पै जाओ। फिर आपको चाहिए बेसन, नजर आ रहा है? बेसन। फिर आपको चाहिए विटामिन ई का ऑयल या कैप्सूल ले लो, एज यू विश। आपको चाहिए दूध, बकरी का, गाय का भी हो जाए चलेगा, भैंस का भी होगा चलेगा, कच्चा ले लो तो बेस्ट है, पक्का हो तो कोई गल नहीं, भाई। फिर आपको चाहिए शहद। अब क्या करना है? अब चाहिए आपको खाली बाउल। बाउल आपका धोया हुआ होगा, आपने उसको और से धो लेना, दोबारा से धो लेना, और से धो लेना, हाथों को धो लेना। फिर आपने क्या करना है? चलो जी, जल्दी 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 मैं बोलूंगी, फिर आपको ना समझेगी तो फिर आपकी मर्जी। फिर आप ये ना कहना कि भाई हम वीडियो लंबी थी तो हमने छोड़ दी। चलो जो आपने लेना जी, 1 चम्मच बेसन, ठीक है? फिर आपके हो जाने लशकारे, लौंग दा लशकारा, फिर हो जाना ताडे फेस दा लशकारा। फिर आपने ले लेनी है 1 चम्मची संगाड़े का पाउडर। फिर आपने दोनों पाउडर वाली चीजों को मिक्स कर लेना है। हमेशा जब पाउडर वाली चीजें होती हैं उनको मिक्स कर लेना है। अगर आपका दिल करे इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लेना, मेरे बेसन में ऑलरेडी ऐड होती है, आप अगर चाहते हो तो ऐड कर लेना। फिर हमने इसमें डाल दी है क्या 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 हमने इसमें डालना है? दूध। अगर मलाई डालना चाहते हो मलाई भी डाल सकते हो। इसको हमने बनाना है दूध के साथ, सही है? फिर हमने इसमें डालनी आधी चमची, मेरा जो शायद आ जा तेनू अखियां उड़ीक दिया, हनिया तेनू अखियां उड़ीक दिया, अखियां उड़ीक दिया, दिल वजा मारदा, शायद आ गया इतना, वरना मैंने और पूरा गाना सुना देना। फ्रिज में रखा तो मैंने इसी तरह ही ना, तो ये ठीक हो गया। आधी चमची हनी, चौथा हिस्सा चमची ये, यहां 4-5 ड्रॉप्स, अगर कैप्सूल है तो एक डाल लो, ये विटामिन ई का ऑयल। ये इसलिए डलेगा कि अगर आपकी स्किन जो है ड्राई है तो ये ड्राइनेस खत्म नहीं, और ज्यादा ड्राइनेस नहीं होने देगा, खत्म कर देगा ड्राइनेस को। और अगर जिनकी स्किन है ऑयली, ठीक है, वो बेशक विटामिन जो है ई वाला जो है वो सिलसिला खत्म कर देना, वो ना डालना, शाइनी देता है, एक्नी ज्यादा नहीं करता, एक्नी को कंट्रोल करना है इसने, ठीक है? जो ड्राई स्किन वाले हैं वो पक्का शहद और विटामिन ई डालेंगे। ले जी, ये हो गई आपकी पेस्ट तैयार, ठीक है? अब आपने इसको थोड़ी देर के लिए सेटल होने के लिए रखना है, सही है? ऐसी होगी पेस्ट, आपने इसको सेट होने के लिए रखना है। आपने जाना है फेस वॉश करना है, फेस वॉश से डैप डैप करके इसको ड्राई करना है, उसके बाद आपने इसकी
ऐसे लेप लगा के 30 मिनट तक छोड़ देना। जब आप साफ करने लगोगे हल्का सा पानी के छींटे मारने के बाद, हल्का 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 पोले हाथों से मसाज करने के बाद आपने इसको धो लेना। पैट फर्स्ट कर लेना। कुछ लोगों को शहद से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को एलोवेरा से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को रोज वाटर से एलर्जी होती है। आपकी स्किन का आपको ज्यादा पता है, स्किन आपको बताएगी कि ना 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 ये चीज मेरे लिए नहीं है। या आपने अपना पैट टेस्ट यहां पे कर लेना, या कान पे के पीछे, या नेक पे, या हाथ पे। हाथ की स्किन तो जरा हार्ड होती है, यहां की स्किन पे कर रहा है। अगर रेड हो जाए, खारिश शुरू हो जाए, ऐसे जलन होने लग जाए, फिर आपने नहीं करना, वरना फिर आपने, आपको हरी झंडी नजर आने की देर है, आपने ये यूज कर लेना। ठीक है, आधे घंटे के बाद आपका क्लीन क्लियर फेस निकलेगा, खूबसूरत तरीन, दिलकश, शाइस्ता, और कौन कौन से वर्ड मुझे तो ना, इतनी मसरत आपको होनी है ना, सारी कुड़ियों के नाम ले लेना। फिर आपने हो जाना खूबसूरत, ब्यूटीफुल, मुझे तो आज वर्ड ही नहीं आ रहे, इतना ये खूबसूरत अच्छा मास्क है। पर आप पैट टेस्ट फर्स्ट कर लेना, सही है। 30 मिनट के बाद फिर आप मॉइस्चराइजर लगाना, टोनर लगाना, मॉइस्चराइजर लगाना, सनब्लॉक लगाना, किसी वक्त भी कर सकते हैं। लेमन वाली चीजें आप रात को ही किया करो, ठीक है। पानी ज्यादा पीना, स्क्रबिंग करना दो बार, मॉइस्चराइजर लगाया करो, टोनर लगाया करो, सनब्लॉक अपनी जिंदगी में शामिल करो, मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करो, फीडबैक दो, प्लेलिस्ट में मेरी वीडियो को रखो। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मैं फिर मिलूंगी किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ। जो कोई आपको प्रॉब्लम है मुझे आकर पूछना, मैं आपको जवाब दूंगी, सही है। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आप बहुत खूबसूरत, आपने ये रेमेडिया यूज करके और खूबसूरत हो जाना, मैं भी खूबसूरत और खूबसूरत होती जाऊंगी, सारे सारे खूबसूरत हो जाओ, अंदर से दिल के भी, बाहर से फेस के भी, ठीक है। खुश रहा करो।